दलित। यह शब्द सुनने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है या फिर आपको यह शब्द असहज महसूस कराता है? क्या दलित आपको जय भीम की तरह कुछ याद दिलाता है, आपके अंदर जोश भर देता है? आखिर क्या महसूस कराता है आपको दलित? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आप जरूर कुछ महसूस करेंगे। जय भीम, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं द शूद्र, द बहुजन शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दलित, यह एक ऐसा शब्द है जिसे न तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ना ही इसके प्रयोग करने की इजाजत, खास तौर से मीडिया जगत में इसके प्रयोग पर मनाही है। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मीडिया इसे बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करता है और पीड़ितों की जाति बताते हुए उन्हें दलित करार देता है। आखिर क्यों प्रयोग किया जाता है दलित शब्द, आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले किसके द्वारा और कहां इसे प्रयोग किया गया। क्या वाकई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से इसे जोड़कर देखना चाहिए? क्या बहुजन समाज के लिए दलित शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए? दलित शब्द की गाथा शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि दलित शब्द का अर्थ क्या है। जब हमने इसकी खोज शुरू की तो इंटरनेट पर हमें बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें कई ब्लॉग, न्यूज वेबसाइट और शोध पत्र प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक ब्लॉग मिला जिसका नाम है DSP मुनार्ची। इस ब्लॉग में शब्दकोश के अनुसार दलित का अर्थ है मसला हुआ, मर्दित, दबाया हुआ, रोंदा हुआ, कुचला हुआ या फिर विनिष्ट किया हुआ। इसके अलावा शोध पत्र प्रकाशित वेबसाइट शोध गंगा पर हमें एक शोध पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसके 5वें अध्याय दलित साहित्य की अवधारणा में दलित शब्द का अर्थ बताया गया है। इसके अनुसार हिंदू समाज व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत रूप से निम्न यानी कि शूद्र माने जाने वाली जातियों के लिए दलित शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में दलित को शूद्र नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख पुरुष सूक्त में हुआ है, जिसे इस प्रकार लिखा गया है, ब्राह्मणस्य मुखमासिद बाहुराजन्यः कृतः उरुतस्य यदवैश्यः पदभयशूद्रोः अजायतः। यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इसी घटिया सिद्धांत ने दलितों को हजारों साल से गुलाम बना रखा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दलित शब्द को पहले कहां और किसके द्वारा प्रयोग किया गया, दलित शब्द को प्रयोग करने का कारण क्या था। आइए आपको बताते हैं। दलित शब्द का सबसे पहला विवरण साल 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जे.जे. मोल्थवर्ट्स द्वारा मिलता है। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी मराठा डिक्शनरी में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा दलित शब्द का प्रयोग दलित उद्धारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी किया था और फिर ब्रिटिश सरकार ने इसका उल्लेख किया। JNU में समाज शास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार इस शब्द के इतिहास को लेकर कहते हैं, दलित शब्द बोध ग्रंथ कुलुवग्गा विनय पिटिका में भी पाया जाता है। दलित शब्द पर द क्विंट वेबसाइट पर एक लेख में बताया गया है कि साल 1921 से 1926 के बीच दलित शब्द का इस्तेमाल स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था। दिल्ली में दलितों उद्धार सभा बनाकर उन्होंने दलितों को सामाजिक स्वीकृति की वकालत की थी। दलित शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं। वर्ष 2008 में नेशनल SC कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेजों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। भारतीय संविधान में दलित शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, भारत की उच्चतम न्यायालय ने भी दलित शब्द को असंवैधानिक घोषित किया है। लेकिन दलित शब्द को राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिली दलित पैंथर के उदय से। साल 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर नाम का एक सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाया गया। अमेरिका के ब्लैक पैंथर मूवमेंट की तर्ज पर बने दलित पैंथर ने आगे चलकर एक आंदोलन का रूप ले लिया। नामदेव ढसाल,
राजा ढाले और अरुण कांबले इसके शुरुआती प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। यहीं से दलित शब्द को महाराष्ट्र में सामाजिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन उत्तर भारत में इस शब्द को प्रचलित होने में समय लगा। नॉर्थ इंडिया में दलित शब्द को प्रचलित काशीराम ने किया। DS4, जिसका मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन काशीराम ने किया था और महाराष्ट्र के बाद नॉर्थ इंडिया में अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को दलित कहा जाने लगा था। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4 काशीराम का नारा था। लंबे समय से यह शब्द इस्तेमाल में रहा। दलित पैंथर और DS4 ने दलित शब्द को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ज्यादातर डिप्रेस्ड क्लास का ही इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज भी इस शब्द को इस्तेमाल करते थे। आगे चलकर यही डिप्रेस्ड शब्द दलित शब्द में प्रचलित हुआ। वर्ष 1929 में लिखी एक कविता में राष्ट्र कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी दलित शब्द का इस्तेमाल किया था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह शब्द प्रचलन में तो था, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। साल 1943 में अणिमा नाम के काव्य संग्रह में उनकी यह कविता छपी। दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु, तुम्हारी शक्ति वरुणा। आज दलित शब्द साहित्य के दुनिया में भी खास पहचान रखता है। खासकर हिंदी साहित्य में बहुजन लेखकों ने ब्राह्मणवादी साहित्य के मुकाबले अपना खुद का साहित्य रचा है। दिल्ली में अब तो राष्ट्रीय दलित साहित्य सम्मेलन तक आयोजित होते हैं। बहुजन साहित्यकार मानते हैं कि दलितों के बारे में अब तक सवर्ण नजरिए से ही किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अब हम खुद अपनी आपबीती सुना रहे हैं। साहित्य के अलावा राजनीति में भी दलित शब्द की बड़ी रोचक कहानी है। BSP के शुरुआती दौर में गांधी द्वारा अनुसूचित जातियों को दिए गए हरिजन शब्द का BSP ने कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, मायावती तो सीधे सीधे जाकर मंच पर भिड़ गई थी। मान्यवर काशीराम दलित शब्द के प्रयोग पर जोर देते हुए कहते हैं, यदि हम सब भगवान की औलाद हैं, तो क्या अन्य हिंदू शैतान की औलाद हैं? मान्यवर काशीराम और उनकी सहयोगी मायावती दोनों ने मिलकर दलित शब्द को आगे बढ़ाया और आज दलित शब्द काफी प्रचलित है। खासकर राजनीति में दलित शब्द किसी क्रांति की तरह सामने आया। BSP के गठन ने इस शब्द की जड़ें ऐसी जमा दी कि वंचित तबके ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बना दी। दलित शब्द ने बिखरे पड़े शोषित समाज को एक पहचान दी, जिसका राजनीति में बहुत महत्व है। आज दलित राजनीति के बिना राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दलित शब्द के राजनीतिक महत्व के कारण ही कई लोग इसके बैन का विरोध भी करते हैं। इन लोगों का कहना है, क्योंकि दलित शब्द SC और ST के बीच एक राष्ट्रीय एकता की पहचान बन गया है, इसलिए इस शब्द को खत्म कर इन दोनों के बीच इन दोनों की एकता को तोड़ने की साजिश की जा रही है। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के नाम, प्रतीकों और नारों का बहुत खास महत्व होता है। ये महज नाम या प्रतीक नहीं होते, बल्कि एक विचारधारा होते हैं, जो सीधे लोगों को एक सूत्र में बांध देते हैं। ऐसे ही दलित शब्द भी एक आंदोलन का शब्द है, जो वंचित समाज को एकजुट रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ लोगों का मानना है कि हमें खुद को दलित नहीं कहना चाहिए। यह एक अपमानित करने वाला शब्द है। इसके जवाब में अक्सर हमें यह सुनने को मिलता है कि वह शब्द भला अपमानित करने वाला कैसे हो सकता है, जो पूरे समाज को एकजुट रहने में मदद करे। साथ ही साथ इसके साथ तर्क यह भी दिया जाता है कि एक ही शब्द के कई तरीके होते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि दलित शब्द सुनने के बाद आपको ग्लानि महसूस होती है या फिर आपके अंदर सामाजिक चेतना का जन्म होता है। तो यह थी आज के दलित शब्द की दास्तां। यदि आप लोगों के पास भी ऐसे कोई किस्से या कहानियां हैं जो समाज में जागरूकता ला सके, तो आप उसे नीचे दी जा रही आईडी पर शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज लाइक करें और Instagram और Twitter को फॉलो करना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें।
अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें नीचे दिए जा रहे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर पर आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। जय भीम। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।